स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? ए. बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। बी. बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे की कमी। सी. मौसम संबंधी चिंताएं। डी. वित्तीय मुद्दे। आंसर ए. बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। एक्सप्लेनेशन। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट अब 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में होगा। अगला प्रश्न। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? ए. एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। बी. एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। सी. एक विशेष पुलिस बल। डी. एक सरकारी समिति। आंसर बी. एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। एक्सप्लेनेशन। 20 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। यह फैसला कोलकाता के आर जीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आया है। अगला प्रश्न। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित किया? ए. दक्षिण अफ्रीका। बी. अल्जीरिया। सी. सूडान। डी. नाइजीरिया। आंसर सी. सूडान। एक्सप्लेनेशन। सूडान के स्वास्थ्य मंत्री ने कई सप्ताह तक भारी बारिश के बाद हैजा को महामारी घोषित किया। सूडान में हैजा के प्रकोप से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। हैजा एक तेजी से विकसित होने वाला अत्यधिक संक्रामक संक्रमण है जो गंभीर दस्त, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। ये भोजन या पानी पीने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त हुआ है? ए. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी. कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डी. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर डी. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक्सप्लेनेशन। दिल्ली हवाई अड्डे ने 2024 में स्तर 5 शुद्ध शून्य उत्सर्जन मान्यता प्राप्त कर ली है। हवाई अड्डे का प्रारंभिक लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना था। कई उपायों के माध्यम से लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। IGIA ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मान्यता कार्यक्रम के तहत ये दर्जा हासिल किया है। अगला प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 अगस्त को मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की? ए. हिमाचल प्रदेश। बी. हरियाणा। सी. पंजाब। डी. उत्तराखंड। आंसर सी. पंजाब। एक्सप्लेनेशन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त को हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे, जो मौजूदा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पूरक होगा। इस पहल से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 5,34,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। राज्य ने इस नए कार्यक्रम के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।